स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं एक अन्य कुल U4BSE। U4BSE कुल का अगर बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखें तो डिवीजन एंजियोस्पर्म में, क्लास है डाइकोटिलेडनी, सब क्लास मोनोक्लेमाइडी, सीरीज है यूनिसेक्सुअलीज, क्योंकि इसमें फ्लावर क्या हैं यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल या फीमेल फ्लावर होते हैं, और जो कुल होता है वो है U4BSE। अब हम देखें इसका फ्लोरल कैरेक्टर्स की के रेंज क्या होती है, क्योंकि U4BSE कुल में ही बहुत से प्लांट होते हैं जिनमें अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, मतलब फ्लावर्स में जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो वो भी अलग अलग टाइप का होता है, वेरी करता है। ऐसे ही जो पेरियंथ परिदल पुंजों की बात करें तो सब में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। तो हम फ्लोरल कैरेक्टर्स का रेंज देखते हैं कैसे होते हैं। तो जैसे इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो ये पुष्पक्रम है वो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप का होता है। जैसे क्रोजोफोरा है उसमें एसिमाक्स होता है, एकेलिफा में कैटकिन, जेट्रोफा और रेसिनस क्या होता है अरंड, इसमें एसिमाक्सों का एसिमाक्स या मंजरी, और यूफोर्बिया में साइथियम, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो यूफोर्बिया में इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, साइथियम टाइप का। उसके बाद फ्लावर की बात करें इस फैमिली में तो फ्लावर होते हैं सहपत्री होते हैं, ब्रैक्टियट होते हैं, एक लिंगी होते हैं, ये या तो मेल सेक्स ऑर्गन होता है या फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उस फ्लावर को हम मेल फ्लावर बोलेंगे, जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे उसको फीमेल फ्लावर बोलेंगे। ये एक लिंगाश्री या डायोसियस होते हैं, मतलब दोनों लिंग क्या होंगे, अलग अलग। और जैसे ये मेलोटस और ब्राइडेलिया में, या फिर मोनोसियस की बात करें द्विलिंगाश्री, मतलब एक ही पौधे पर दोनों लिंग, जैसे रिसिनस में फ्लावर होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है और हाइपोगाइनस टाइप का होता है, मतलब ओवरी सुपीरियर होगी, कभी कभी ये पेरिगाइनस भी हो जाता है जैसे ब्राइडेलिया में। तो ये ऐसा होता है इसमें फ्लावर। अब इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, फ्लोरल डाइवर्सिटी होती है। जैसे रिसिनस की बात करें अरंड की, तो उसमें पेरियंथ जो होते हैं वो 3 से 5 परिदल एक चक्कर में होते हैं। नर जो पुष्प होते हैं उनमें प्रत्येक परिदल के सामने एक अत्यधिक शाखित पुंकेसर होता है, जबकि मादा पुष्पों के जायांग में 3 संयुक्त अंडप तथा विषम अंडपस दिशा में होता है, ये रिसिनस में। यूफोर्बिया की बात करें तो व्रंतीय नर पुष्प में परिदल हैं वो एब्सेंट, और उनमें सिर्फ केवल एक ही पुंकेसर होता है यूफोर्बिया के मेल फ्लावर में। व्रंथ व पुतंतु के बीच सुस्पष्ट संधि होती है, मादा पुष्प में भी परिदल पुंज एब्सेंट होते हैं, और इसका यूफोर्बिया का जो गाइनोसियम हो ट्राइकार्पेलरी होता है, मतलब 3 कार्पल होते हैं और वो सिंकार्पस होता है, युक्तांड भी होता है। एंथोस्टोमा की बात करें तो नर पुष्प और मादा पुष्पों में नलिकाकार परिदल पुंज होते हैं, इनमें यूफोर्बिया में एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें कैसे होते हैं नली के आकार के। नर पुष्प में केवल एक पुंकेसर होता है, इसके प्राकोस होते हैं वो बाइथिकस होते हैं, बेसिफिक्स होते हैं, जो फीमेल फ्लावर है वो ट्राइकार्पेलरी और सिनकार्पस होता है इसका गाइनोसियम। फिर फाइलेंथस निरूरी की बात करें तो परिदल पुंज में 3-3 टेपल्स के 2 चक्कर होते हैं, जैसे रिसिनस में हमने एक ही चक्कर बताया था 3 से 5 परिदल का, जबकि फाइलेंथस निरूरी में परिदल पुंज में 3-3 परिदल के 2 चक्कर होते हैं। जो मेल फ्लावर होता है वो में 3 एकसंगी पुंकेसरों का चक्कर एवं मादा पुष्प में 3 युक्तांड विजयांग होते हैं, मतलब ये 3 इसमें पुंकेसर होंगे, 3 मोनोडल्फस पुंकेसरों का चक्कर होगा एक। फिर है क्रोजोफोरा व जेट्रोपा में बाह्य दलपुंज व दलपुंज दोनों में 5-5 सदस्य उपस्थित होते हैं। नर पुष्प में 5 पुंकेसरों के 3 या अधिक चक्र तथा मादा में 3 युक्तांड भी जायांग होता है। ऐसे ही
वाइलेंडिया में पंचदेही पुष्प होते हैं, पांच बाह्य दल, दल नर पुष्पों में पांच पुंकेसरों का एक चक्र और मादा पुष्पों में पांच दलों के सम्मुख पांच अंडपों का चक्र उपस्थित होता है। यहाँ जो मेल फ्लावर होते हैं वो बंदे स्त्री केसर मतलब पिस्टिलोइड्स होते हैं, इसका मतलब होता है नर हैं तो उनमें सिर्फ पुंकेसर स्टेमन्स होंगे, कार्पल एब्सेंट होंगे। वह मादा पुष्पों में फीमेल फ्लावर में स्टेमिनोइड होते हैं, मतलब स्टेमिनोइड क्या होते हैं, बंदे पुंकेसर, मतलब पुंकेसर होंगे मादा पुष्पों में लेकिन वो क्या होंगे, बंदे। जबकि नर पुष्पों में नर हैं तो उसमें जो कार्पल होते हैं या पिस्टिल बोलते हैं कार्पल को, वो क्या होती है, स्टेराइल होता है। अब देखिए हम परिदल पुंज पेरियंथ, तो जेट्रोपा व क्रोटोन में केलिक्स व कोरोला दोनों प्रजेंट होते हैं, मतलब वहाँ पे पेरियंथ नहीं होंगे इनमें। पेरियंथ क्या होते हैं, जब दल और बाह्य दलों में हम डिफरेंस नहीं कर पाते उन्हें हम पेरियंथ कहते हैं। अधिकांश सदस्यों में या तो बाह्य दल पुंज या दल पुंज एबसेंट होते हैं, कभी कभी दोनों ही एबसेंट होते हैं, जैसे यूफोरबिया हेटा में। दल जो होते हैं वो इम्ब्रिकेट या वेलवेट होते हैं। अब बात करें हम एंड्रोसियम की, तो पुंकेसरों की संख्या से एक या एक से अधिक या असंख्य हो सकती है। प्राय पुंकेसरों की संख्या परिदलों के बराबर होती है। यूफोरबिया में केवल एक वृंतीय पुंकेसर ही नरपुष्प का प्रतिनिधित्व करता है, अभी हमने देखा था। क्रोटोन में असंख्य पुंकेसर होते हैं। जेट्रोपा में पांच पांच पुंकेसरों के दो चक्र होते हैं। रिसिनस में पांच अत्यधिक शाखित पुंकेसर होते हैं। फाइलेंथस में सेपुमंग या सिनेंड्रस स्थिति पाई जाती है। और प्राकोस हैं वो दीकोस्ट की व एक्सटोस टाइप के होते हैं सामान्यतः। जायंग की बात करें तो ये प्राय त्रिअंडपी होता है, ट्राइकार्पल युक्त अंड भी होता है, त्रिकोष्ठ की होता है और इसका प्लेसेंटेशन होता है वो एग्जाइल होता है। ओवरी सुपीरियर होती है, मतलब हाइपोगाइनस फ्लावर। वर्तिका की संख्या अंडपों के बराबर और प्रत्येक शाखित होकर स्टिग्मेटिक लोब्स बनाती हैं। ब्राइडेलिया में द्विअंडपी और वाइलेंडिया में पंचांडपी जायांग भी होते हैं। हमने कहा मोस्टली त्रिअंडपी, लेकिन इनमें ब्राइडेलिया में द्वि और वाइलेंडिया में पेंटाकार्पेलरी जायांग भी होता है। अब हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखें, तो जैसे फाइलेंथस का मेल फ्लावर की बात करें तो ब्रैक्टियट तो सभी में होगा, सहपत्री, और त्रिज्या सममित एक्टिनोमॉर्फिक होता है। ये मेल फ्लावर है तो यहाँ देखो सिर्फ मेल का बनाया है, साइन ऐसे करके इतना ही किया है, ये फीमेल वाला नहीं किया है। पेरियंथ इसमें परिदल हैं वो छः होते हैं टोटल, तीन प्लस तीन के दो चक्रों में। एंड्रोसियम में तीन स्टेमन है, और क्योंकि ये मेल फ्लावर ही है इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोसियम नहीं है, तो जी कितना लिख दिया, जीरो। अब फाइलेंथस का अगर फीमेल फ्लावर देखें तो वही ब्रैक्टियट है, एक्टिनोमॉर्फिक है। यहाँ देखो क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है तो यहाँ मेल वाला सिंबल नहीं लगाया, सिर्फ फीमेल फ्लावर का लगाया है ये वाला ही। ये पेरियंथ इसमें भी तीन प्लस तीन दो चक्रों में। यहाँ एंड्रोसियम एक को जीरो लिखेंगे क्योंकि स्टेमन्स इसमें एब्सेंट होते हैं, और गाइनोसियम में तीन कार्पल होते हैं और तीनों जुड़े हुए होते हैं युक्तांड भी, और इसको नीचे से अंडरलाइन किया है क्योंकि ये सुपीरियर ओवरी होती है इसमें। ऐसे यूफोरबिया की बात करें तो ये हो जाएगा, ये नर फ्लावर का है, ये मादा का। यूफोरबिया में भी ये यहाँ तक तो है, मेल फ्लावर है तो मेल सेक्स ऑर्गन। इसमें पेरियंथ एब्सेंट होते हैं इसलिए पी जीरो लिख दिया। इसमें स्टेमन सिर्फ एक होता है, जो नर फ्लावर होता है उसमें एक ही फ्लावर स्टेमन होता है, इसलिए ए वन जी जीरो होगा क्योंकि ये नर है। मादा की बात करें तो वही ब्रैक्टेट हुआ, एक्टिनोमॉर्फिक हुआ, ये सिंबल मादा फ्लावर का है, मादा सेक्स ऑर्गन का है, और इसमें पेरियंथ नहीं होते, एंड्रोसियम में स्टेमन भी नहीं है, लेकिन गाइनोसियम में कार्पल तीन होते हैं और वो भी सुपीरियर ओवरी के साथ। फ्रूट की बात करें तो रेगमा नामक साइजोकार्प होता है, रेगमा होता है इसके फ्रूट का नाम, जो
तीन एक बीज बीज स्पुटनशील कोकाई में टूट जाता है, जैसे आपने अरंड का देखा होगा, रिसिनस का ऐसे होता है, रेगमा टाइप का होता है, और तीन कोकाई में वो टूटता है। ऐसे बिस्चोफिया व एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस कौन है, आंवला, इनमें बेरी टाइप का फ्रूट होता है, सीड होते हैं वो सीधे भ्रूणयुक्त भ्रूणपोषी होते हैं। पोलिनेशन की बात करें तो ज़्यादातर जीनस में क्या होता है, एंटोमोफिलस या कीट परागण होता है, लेकिन रिसिनस और मर्क्यूरियलिस में वायु परागण होता है। अब इसका एक सदस्य हम यूफोर्बिया की बात करें, यूफोर्बिया हिरदा इसका एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है इस फैमिली का, तो हमने भी बात करी थी इसमें यूफोर्बिया में साइथियम प्रकार का क्या पाया जाता है, इनफ्लोरेसेंस होता है। कई साइथिया कक्षीय या अंतस्थनी में पेडंकल पर समूह में सेसिमाक्सा में विकसित होते हैं। प्रत्येक साइथियम के प्यालेनुमा पुष्पासन के मध्य में केवल एक मादा पुष्प होता है, फीमेल फ्लावर होता है, और उसको घेरे हुए एक पुंकेसरी मतलब सिर्फ एक स्टेमन के साथ बहुत सारे क्या होते हैं, मेल फ्लावर होते हैं, तथा जिनकी बाह्य सतह पर काफ़ी दीर्घ मकरंद ग्रंथि होती है। अब हम इसका देखें, पहले मेल फ्लावर, तो अभी हमने पीछे ये फ्लोरल फॉर्मूला देखा था इसका, ये क्या है, सहपत्री है, त्रिज्या सममित है, मेल फ्लावर है। पेरियंथ इसमें क्या है, एब्सेंट, क्योंकि ये पेरियंथ लेस होता है, और ये इनकम्प्लीट कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें क्या है, पेरियंथ भी नहीं, और इसमें क्या है, सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन है, एकलिंगी है ये, और एक पुंकेसर होता है जो एक व्रंथ पर लगा हुआ होता है। पराकोष होते हैं इसके, और डाइथिकस होता है, बेसिफिक्स होता है, इंट्रोस टाइप का होता है, और सल के सहपत्र युक्त इसका फ्लावर होता है। अब फिर देखें फीमेल फ्लावर, तो फीमेल फ्लावर में भी पेरियंथ क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, सहपत्री होगा फ्लावर, सहव्रंथ होगा, ये भी क्या होगा, इनकम्प्लीट ही है। पिस्टिलेट होता है, स्त्री केसरी होता है, जायांतर मतलब ओवरी सुपीरियर होगी। ये जो फ्लावर है फीमेल फ्लावर, अभी हमने कहा था जो प्यालेनुमा जो साइथियम होता है उसके बीच में सेंटर में फीमेल फ्लावर होता है, और चारों तरफ क्या होते हैं, व्रंथ पे क्या लगे होते हैं, मेल फ्लावर होते हैं, सिर्फ वो मेल फ्लावर में एक ही पुंकेसर होता है। इसके जो कार्पल की बात कर जायंग की बात कर रहे हैं, तो वो ट्राइकार्पेलरी होता है, तीनों जुड़े हुए होते हैं, त्रिकोष्ठकीय होते हैं। इसका जो प्लेसेंटेशन होता है वो एग्जाइल टाइप का होता है, और इसका फ्रूट होता है वो कैप्सूल होता है। अब देखो इसका डायम फ्लोरल, ये साइथियम में देखो ये क्या है, यहाँ ये ओपन साइथियम देखते हैं, ये देखो बीच में क्या है, फीमेल फ्लावर है, ठीक है, और इसके बाहर चारों तरफ क्या है, मेल फ्लावर है, ये देख रहे हैं ऐसे ही इस डायग्राम में देख सकते हैं हम। ये फीमेल फ्लावर है बीच में, ये प्यालेनुमा एक पुष्पासन है उसमें, और बाकी सारे क्या हैं, चारों तरफ क्या है, मेल फ्लावर है। ये मेल फ्लावर की स्ट्रक्चर है, जिसमें ये व्रंथ है, फिलामेंट हो गया, और ये क्या है, एंथर हो गया, बाइथिकस। अब ये फ्लोरल डायग्राम इसका देखें, तो इसमें देखो ये अंदर क्या है, जायंग दिखाया है, वो क्या है, ट्राइकार्पेलरी है, और इसमें ये बीजांड कहाँ लगे हुए हैं, एक्स पे, तो एग्जाइल टाइप का होता है। तो ये क्या था इसका, इनफ्लोरेसेंस साइथियम टाइप का। अब हम इसका देखें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो इस फैमिली के सदस्य ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं, जैसे एक्केलिफा हिस्पिडा, एक्केलिफा सिलिएटा, यूफोर्बिया पल्चेरिमा, जेट्रोपा हेस्टेटा, ऐसे ही डाई देखें कि इससे डाइज भी प्राप्त होती हैं, किर्गेनेलिया रेटिकुलेया, इसकी जड़ों से लाल रंग प्राप्त होता है, मेलोटस फिलिपाइनेंसिस से, ये मंकी फेस्ट्री, कामेला रोहिणी,
फलों से लाल रंजक प्राप्त होता है। रबर की बात करें तो हीविया ब्राजिलियनसिस इसी फैमिली का प्लांट है। इसके वृक्ष के तने के लेटेक्स से रबर प्राप्त होता है। ऑयल की बात करें तो बीजों के भ्रूणपोष से प्राप्त होता है, जैसे रिसिनस कम्युनस, जो अरंड होता है उसमें अरंड का तेल जो वार्निश के काम आता है। जेट्रोपा कर्कस है वो रतन जोत, जेट्रोपा कर्कस का नाम क्या होता है, रतन जोत। सफ़ेद अरंडी से प्राप्त तेल साबुन मोमबत्ती तथा स्नेह के रूप में प्रयुक्त होता है। इस झाड़ी के लेटेक्स से बायोडीजल बनाया जाने लगा है। क्रोटोन टिग्लियम जमाल घोटा के फल से प्राप्त तेल रेचक में कीटनाशक की तरह यूज होता है। अब मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में जेट्रोपा कर्कस के बीज रेचक की तरह प्रयुक्त होते हैं। रिसिनस कम्युनस का तेल भी रेचक के रूप में काम आता है। अम्बलिका ऑफिसिनेल आंवला है, उसके फलों का मुरब्बा है, टोनिक की तरह यूज होता है। विटामिन सी का प्रचुर स्रोत होता है आंवला। इसके अतिरिक्त ये बालों व आँखों को धोने में भी काफ़ी उपयोगी है और त्रिफला का एक कंपोनेंट होता है। दूसरे यूजेज में आंवले के वृक्ष की छाल है, वो टेनिंग के काम आती है। पुत्रंजीवा रॉक्स प्रकाय के बीजों से जपमाला रोजेरीज बनाई जाती है। यूफोर्बिया केडुसीफोलिया की कंटी ली जाती हैं, खेतों की बाड़ बनाने के काम आती है। तो ये थी यूफोर्बिया।